आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित एक और उदाहरण देखेंगे। दिए गए त्रिभुज x, y, z में a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं हम a का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि रेखा PQ भुजाओं XZ तथा YZ को दो भागों में बांटती है। यहां से तीर के निशान बताते हैं कि रेखाएं XY व PQ समानांतर रेखाएं हैं। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज XYZ में XP व PZ तथा YQ व QZ समानुपाती होंगे। क्या आप बता सकते हैं हमें अब आगे क्या करना होगा? आकृति में देख सकते हैं कि XP बराबर a जमा 3, PZ बराबर 3a जमा 19, YQ बराबर a तथा QZ बराबर 3a जमा 4 है। तिरछी गुणा कर आगे हल करने पर हमें a बराबर 2 मिलता है। आज इस वीडियो में हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित एक उदाहरण देखा। उम्मीद है कि अब आपको यह प्रमेय अच्छे से समझ आ गई होगी।